एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार दोनों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी बच्ची को 7 साल से ससुराल के लोग बहुत सता रहे, 7 साल से दम करके रख दिए। ताहिर हुसैनी, तो उसकी सास शाहाना बेगम और क्या बोलते हैं सब अपने, ये क्या है, सलमान और नसीर और उसके ससुरे का नाम क्या है, रफीक खान। और हमेशा मेरे को पैसा, तेरे को पेंशन है, गवर्नमेंट पेंशन है बोल के बोलते हैं। हर वक्त मैं घर का पूरा राशन दिलाती हूँ और हर हमेशा मैं पैसा देते रहती हूँ। मैं हर दिन 30,000-40,000 अब तक मेरे से 1,00,000 रुपये ले लिए हुए हैं। और हर कद किराया भी नहीं देते, किराया भी मेरे से मंगाते हैं बच्ची को टॉर्चर करके। किराया भी मैं देती हूँ घर का पूरा, और उतना टॉर्चर कर रहे पैसे दो बोल के, पैसे वाले हैं लोग, पैसे दो बोल के टॉर्चर कर रहे बच्ची को। और आज खुदकुशी करने गई थी, अगर कुछ हुआ तो ये लोग पूरे जिम्मेदार हैं, इनको छोड़ना नहीं। इनको असद साहब से भी बोल रही हूँ मैं कि छोड़ना नहीं मेरी बच्ची का, बराबर वो करना। आज बच्ची पूरा मरते मरते बच गई, बच्ची आज मौत के मुँह को जाके आई हुई है मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम सुल्ताना है। मेरे शौहर मेरे को सता सता के तंग कर दिए, हर बार पे मेरे को मारते जा रहे हैं। परसों भी पुलिस स्टेशन कनवा ठहर के पेट्रोल पंप कन फुल मारे सोता मार के हमारे समीर के चिच्चा जो है ताहिर हुसैन, उन्होंने पैसे लेके आओ बोल के बोल रहे हैं। पैसे नहीं लेके आए तो एक ब्लैंक पेपर पे साइन कर दे, उसके बाद में तू रहना है तो रह, नहीं तो ब्लैंक पेपर पे अगर साइन नहीं करी तो तेरे को टांगा भी घसे, तो तेरे को तेरे शौहर से नहीं मिला तो तू दुनिया की कोसे भी सिंग लगा दे, मगर नहीं तेरा शौहर तेरे से नहीं मिल सकता। हमारे सास भी बोल रहे हैं, तुम घर को गई थी उनसे बात करने के लिए तो उन्होंने भी क्या बोल रहे हैं, उनका मेरा जेठ जो है उन्हें भी भगा दिया मेरे को घर से, और जो समा देवर भी है सब भगा दिया मेरे घर से। जो ताहिर है ये है वो ताहिर हुसैन जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के वास्ते बैठा, इसको भी एक बेटी है मगर इन्हें भी मेरी ज़िंदगी तबाह करने के वास्ते बैठा। चाहो दुनिया की सींग भी लगा लिया तो मेरे शौहर से इन्हें नहीं मिलाता, तलाक दिला के छोड़ दो बोल के बोला। इसका ऑलरेडी केस है संतोष नगर, इन्हें भी बीवी को फुल मार के रखता, मेरे शौहर को भी बोल रहा तेरी भी जोरू को मार के रख, और जो समा घर में अनाज राशन पानी कुछ भी न को दिला उसको, खाली सड़ने दे उसकी खुदी से, उन्हें छोड़ देना उसका वैसा आलम कर दे बोल के बोल रहा। सास भी बोल रहे हैं तू ऐसी कर, हम शाहाना बेगम सास है, तीन चार बजे तक मेरे शौहर को मेरे पास उनके घर में रख लेते, बुलाना नहीं बोल के बोल रहे हैं, अगर बुलाए तो तेरे को मारती हूँ बोल के बोल रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐसी मारने की वजह से मैं फांसी ले ली थी, अभी भी मेरा शौहर तो यहाँ पे हसीना मैडम है उनके पास जाते जा रहा, बोलते जा रहे कि PS का नाम है ये मल्हारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं लिया। 10 दिन से मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर फिर रही हूँ, हसीना मैडम बोल रहे हैं आओ तुम्हारा सामान ले लेके चले जाओ, तुम्हारे शौहर तुम्हारे को छोड़ देता बोल के बोल रहा। हसीना मैडम भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, इन लोगों की बात सुन रहे, इन्हों बोल रहे हैं एक ब्लैंक पेपर पे साइन कर दो बोल के बोल रहे हैं। इन्हों ब्लैंक पेपर पे साइन करे तो तेरी ज़िंदगी संवार दो, नहीं तो तेरी ज़िंदगी तो तबाह करके छोड़ दो, मेरे साथ जो भी करा मैं उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ देता हूँ बोल के बोल रही। आज भी इन्हों मेरे को ऐसे मैं फ़ोन करी तो तेरा शौहर कुछ भी नहीं सुन रहा, ब्लैंक पेपर पे साइन करना तू बोल के तेरे को छोड़ देते बोले, तो मैं आज मजबूर हो गए मैं क्या बोलते हैं नया पुल वहाँ पे पुल के पास कूद जा रही हूँ थी, पूरे पैर डाल दी थी लोग, मेरी बदकिस्मती की जो लोग मेरे को पकड़ के पुलिस स्टेशन को लेके आए, वहाँ के पुलिस अफजलगंज पुलिस स्टेशन में वहाँ पर बिठा के मेरे को समझाए करे। इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जा रही, मेरे को छोड़ने का नहीं है, मगर मेरा शौहर मेरे को सास ससुरे और इनकी बाड़ों में आके ऐसा कर रहा हूँ, उन लोगों का ही सुन रहे हैं, उन लोगों की तरफ से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही। ससुरा है उसमें और देवर तो नहीं, घर को जाते कि साथी के कमर में हाथ डाल के ढगल दे रहा, बात करने भी नहीं दे रहा, नसीर खान है उसका नाम। इन लोग पूरे मिल के मेरी ज़िंदगी तबाह करके छोड़ते बोल के बोल रही, शादी हो गया 7 साल हो रहा, 7 साल से ये जुल्म सह रही हूँ मगर फिर भी उसके साथ ही रहना चाह रही हूँ, मगर लगा मेरे को जुल्म से और मेरे को दर्द देते जा रहे हैं। मैं कितना बोल के सहूँ, एक औरत जात कितना सहेंगी बोलो, एक लोती एक बच्ची है मेरे को, हमारे सास का नीचे रहते हो ना, सास दूसरी शादी कराते कहते बहन की बच्चे से, मेरी अगर मैं इत्तेफाकन अगर मर गई, मैं आज भी अगर मर गई मैं तो ताहिर हुसैन शाहाना बेगम रफीक खान नसीर खान सलमान खान इन लगा मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। मैं ऑलरेडी आज अटेम्प्ट करने गई थी मैं सुसाइड, मगर बदकिस्मती मेरी
इनो समीर खान इनो सबके सिखावटों में आके इनो जो कर रहे हैं पूरे सब में ज़्यादा इनके चिच्चा का और इनके अम्मा का हाथ है। इनो मेरे शौहर है, इनो समीर खान है, देखो इनो इनो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके छोड़ना चाह रहे हैं। इनो इनको भी एकलौती एक बहन है मगर इनो फिर भी मेरे को तकलीफ देना चाह रहे हैं। इन लोगों को अल्लाह का खौफ ज़र्रा भी नहीं है इन लोगों को। ये बहुत दिनों से चल रहा है, 7 साल से तो मैं अब तक सहते हुए आई, एक बार फांसी ले ली मैं, अब तो पुल में पूरी कूद गई थी मैं। लेकिन पुलिस कंप्लेन करे थे, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करे, एक्शन कुछ भी नहीं लिए, दोनों को बात करे मल्लाते पल्ली, ये पुलिस स्टेशन वाले कभी भी सुनते ही नहीं, इन लोगों को पैसे खिलाते नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, एक्शन ही नहीं लेते, बात करते फिर भिजा देते, बात करते फिर भिजा देते, उल्ला मैनेज करके रखे है इन लोगों को। अभी भी मैं सुसाइड करने चले गई थी, पूरा पैरा हुए डाल दी थी, लेकिन ऑटो वाले लोग पब्लिक क्या करे, मेरे को कमर में हाथ डाल के खींच लिया, मेरी बदखिसी में थी मैं बच गई। अगर मैं मर जाती हूँ, अगर इत्तेफाक अगर फिर भी ऐसी छुआ, मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मेरी मौत के जिम्मेदार ये पूरे फैमिली वाले रहेंगे, ताहिर हुसैन, समीर खान, सलमान खान, नसीर खान और शाहाना बेगम, इन लगा मेरी मौत के जिम्मेदार रहेंगे। समीर खान है उनका नाम, उन्होंने सोम में बड़े मास्टर प्लानर ताहिर हुसैन है। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.